दोस्तों, यदि आप WhatsApp का यूज़ करते हैं तो आप जानते ही होंगे कि यदि आप WhatsApp पर अपने किसी फ्रेंड के पास कोई मैसेज करते हैं तो उस मैसेज को आप आधे घंटे के अंदर अंदर अपनी तरफ से भी और आपने जिसके पास वह मैसेज किया है उसकी तरफ से भी डिलीट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उस मैसेज को भेजे हुए WhatsApp पर आधे घंटे से ज़्यादा का समय हो जाता है और आप उसके बाद चाहते हैं कि आपकी तरफ से भी वह मैसेज डिलीट हो जाए और जिसके पास आपने WhatsApp पर वो मैसेज किया है उसकी तरफ से भी वह मैसेज डिलीट हो जाए। लेकिन आप नहीं जानते हैं कि आप किस तरह से ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे आधे घंटे के बाद भी उस मैसेज को अपनी तरफ से और जिसके पास आपने वह मैसेज किया है उसकी तरफ से भी कैसे डिलीट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मनदीप शर्मा आपका आरटेक में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने किसी मैसेज को डिलीट करना चाहते हैं अपनी तरफ से भी और आपने जिसके पास वह मैसेज WhatsApp पर किया है उसकी तरफ से भी, लेकिन उस मैसेज को आधे घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है भेजे हुए या फिर एक दिन हो चुका है, अगले दिन आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप कैसे उसको डिलीट कर सकते हैं अपनी तरफ से भी और जिसके पास आपने भेजा है उसकी तरफ से भी, इसके बारे में जानने के लिए आपको चलना होगा मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन पर जाने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे एक जरूर कहना चाहूंगा, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को नीचे लाल वाले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर दें, ताकि जब भी इस चैनल पर मेरी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो दोस्तों, यदि आप WhatsApp पर अपने किसी फ्रेंड के पास कोई मैसेज करते हैं और दोस्तों उस मैसेज को सेंड किए हुए आधे घंटे से ज़्यादा का समय हो जाता है और आप उस मैसेज को आधे घंटे के बाद भी ऐसा चाहते हैं कि आपकी तरफ से भी वह मैसेज डिलीट हो जाए और आपके फ्रेंड की तरफ से भी वह मैसेज डिलीट हो जाए, तो दोस्तों यहाँ पर मैं जो आपको स्टेप बताऊंगा वो स्टेप आपको ध्यान से यहाँ पर देखने हैं, उनमें बिल्कुल भी आपको कमी नहीं करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, मैंने अपने दूसरे WhatsApp अकाउंट पर कल मैसेज किए थे हाय, हेलो और ओके के। अब दोस्तों, इन मैसेज को मैं अपनी तरफ से भी और अपने दूसरे अकाउंट पर जहाँ पर मैंने सेंड किए थे वहाँ से भी डिलीट करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जैसे मैं अब इस मैसेज पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए डिलीट करने के लिए इस मैसेज पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आ रहा है डिलीट फॉर मी। यदि मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो यह मैसेज मेरी ही तरफ से डिलीट होगा, ना कि जिसके पास मैंने सेंड किया है उसकी तरफ से डिलीट होगा। तो दोस्तों, आप यदि चाहते हैं कि आपकी तरफ से भी यह मैसेज डिलीट हो जाए और आपके फ्रेंड की तरफ से भी डिलीट हो जाए तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के इंटरनेट को ऑफ कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पर अपने मोबाइल के इंटरनेट को ऑफ कर दिया है, और यदि आप वाईफाई से कनेक्ट हैं तो आपको वाईफाई भी ऑफ कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको WhatsApp वाले ऐप पर कुछ देर क्लिक करके रखना है, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करके रखता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको ऐप इन्फो का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको दोस्तों इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, यदि आपको यह ऑप्शन ऐप इन्फो वाला ऑप्शन नहीं मिलता है इस तरह से, तो आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको ऐप मैनेजमेंट में जाना है। ऐप मैनेजमेंट में जाने के बाद आपको ऐप लिस्ट को ओपन करना है और उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको WhatsApp को सर्च कर लेना है। जैसे मैं यहां पर सर्च कर लेता हूं WhatsApp को, तो दोस्तों यहां पर मैंने WhatsApp को सर्च कर लिया है। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, फोर्स स्टॉप पर आपको क्लिक कर देना है, यानी WhatsApp को आपको स्टॉप कर देना है। अब स्टॉप करने के बाद आपको बैक आ जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग में। मोबाइल की सेटिंग में वापस आने के बाद आपको यहाँ पर डेट और टाइम वाली सेटिंग में चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पर अपने मोबाइल की डेट और टाइम वाली सेटिंग में चला जाता हूँ तो दोस्तों आपको भी यहाँ पर चला जाना है। दोस्तों, डेट और टाइम वाली सेटिंग में आने के बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले नेटवर्क प्रोवाइड टाइम वाले ऑप्शन को डिसेबल कर देना है, यानी इसको ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद आपको सेट टाइम पर क्लिक करना है और यहां पर आपको वह डेट डालनी है जिस डेट में आपने वह मैसेज अपने फ्रेंड के पास किया था WhatsApp पर, और वह टाइम डालना है जिस टाइम पर आपने वह मैसेज किया था। यानी दोस्तों, जैसे मेरा वो मैसेज था
यहाँ पर 10:55 पर था। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए जैसे मेरा मैसेज मैंने सेंड किया था 10:55 पर, तो यहाँ पर आपको 3-4 मिनट आगे का टाइम सेट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर 10:58 कर देता हूँ, तो मैंने 10:55 पर किया था, यहाँ पर मैंने 10:58 कर दिया है और यहाँ पर डेट सेट कर दी है मैंने कल की, ये देखिए डेट भी सेट कर दी है। तो आपको भी इसी तरह से वह डेट सेट करनी है जिस डेट में आपने वह मैसेज किया था, और उस टाइम से 4-5 मिनट आगे सेट करना है टाइम जिस टाइम पर आपने वह मैसेज किया था। उसके बाद आपको फिर से देख लेना है कि आपका इंटरनेट तो ओपन नहीं है, और जब आप यह सब कर लें तो आपको ओपन करना है अपने WhatsApp ऐप को। WhatsApp ऐप को ओपन करने के बाद आपको जाना है अपने अकाउंट में और आपको क्लिक करना है इस मैसेज पर जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। और जैसे ही आप डिलीट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके सामने डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही दोस्तों आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यह मैसेज आपकी तरफ से भी डिलीट हो जाएगा और आपने जिसके पास यह मैसेज सेंड किया है उसके पास से भी डिलीट हो जाएगा। और तो मैं अपने दूसरे वाले अकाउंट में जाकर के दिखा देता हूं कि वहां से वह मैसेज डिलीट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों मैं आ चुका हूं अपने दूसरे वाले अकाउंट में, तो ये देखिए यहां से भी यह मैसेज डिलीट हो चुका है। तो दोस्तों यदि आप भी अपने मैसेज को अपनी तरफ से और आपने जिसके पास भेजा है उसकी तरफ से भी डिलीट करना चाहते हैं एक दिन बाद, या फिर आपको ज़्यादा समय हो चुका है उस मैसेज को सेंड किए हुए, तो दोस्तों आप इस तरह से बड़ी आसानी से उस मैसेज को डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों जब आप अपने मोबाइल का टाइम चेंज करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर ये देखिए मैसेज का टाइम भी यहाँ पर चेंज हो जाता है, अलग टाइम हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जब आप अपना मोबाइल का इंटरनेट ओपन करेंगे और अपने मोबाइल का टाइम सेट फिर से करेंगे तो यहाँ पर इस मैसेज का टाइम भी चेंज हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए मैं इंटरनेट ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं सेटिंग में जा कर के और डेट एंड टाइम वाली सेटिंग में जा कर के यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर नेटवर्क प्रोवाइडेड टाइम वाले ऑप्शन को इनेबल कर देता हूं। यहां पर मेरा टाइम सेट हो चुका है। अब देखिए मैं अपने व्हाट्सएप में जा करके इस मैसेज का टाइम भी दिखा देता हूं। तो ये देखिए दोस्तों यहां पर अभी 2:45 था और यहां पर चेंज हो चुका है यह टाइम। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।